नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज धमाकेदार वीडियो आपका आ चुका है, यानी कि 31वें नंबर का ये वीडियो है जिसमें आज आपके राजस्थान के राजवंश कंप्लीट हो जाएंगे। इस वीडियो में देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर प्रतिहार, तोमर, भाटी और यादव और जाट राजवंश कंप्लीट हो जाएगा और यहां से आपका एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, क्योंकि यहां पर दोनों एग्जाम की आपकी तैयारी करवाई जा रही है दोस्तों यहां पर। और जिन अभ्यर्थियों ने ऐप ले रखा है दोस्तों यहां पर, उनसे मेरी गुजारिश है कि अब 5 से 6 दिन में आपको राजस्थान ज्योग्राफी की जितनी टेस्ट सीरीज दे रखी है ऐप पर उनको कवर कर लेना है, राजस्थान की कला संस्कृति की दे रखी है उनको कवर कर लेना है, राजस्थान का इतिहास की दे रखी है उनको कवर कर लेना है दोस्तों यहां पर, क्योंकि इनसे रिलेटेड एक वीडियो टेस्ट पेपर आने वाला है रीट और सेकंड एग्जाम दोनों का दोस्तों यहां पर, जिसमें राजस्थान जीके आपसे सारी पूछी जाएगी और पता लगेगा कि किस अभ्यर्थियों ने कौन सी रैंक हासिल की है ऐप के अंदर दोस्तों यहां पर। और हो सकता है हमारा यहां पर एक टारगेट हो, जिन अभ्यर्थियों ने यहां पर पहली और दूसरी रैंक यहां पर हासिल करता है दोस्तों यहां पर, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम और देने वाले हैं सभी अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों यहां पर, तो तैयार हो जाएगा दोस्तों यहां पर। अगर जिन्होंने कोर्स नहीं ले रखा है दोस्तों यहां पर, तो इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, वीडियो के नीचे एक लिंक दे रखी है ऑनलाइन स्टडी एग्जाम, जिस पर प्रत्येक कॉन्सेप्ट जो आपका सिलेबस जारी किया गया है रीट और सेकंड एग्जाम के लिए दोस्तों यहां पर, प्रत्येक चैप्टर की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, प्रत्येक चैप्टर की बुक के अध्याय आपको मिल जाएंगे और यहां पर मॉडल टेस्ट पेपर शिक्षा साथ सामाजिक अध्ययन को यहां पर आपको मिल जाएगा। इतना कुछ आपको मात्र 199 रुपए में दिया जा रहा है दोस्तों यहां पर, चूकना मत, पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़ना है आपको हमेशा के लिए दोस्तों यहां पर। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं कि अभी भी बैठे हैं दोस्तों यहाँ पर, और बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं कि आप लोगों से आगे निकल चुके हैं अभी से। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे दोस्तों यहाँ पर, तो आप बहुत आगे निकल सकते हो उन अभ्यर्थियों से दोस्तों यहाँ पर। तो इनकी एक एक कॉन्सेप्ट जो प्रत्येक जो आपका सिलेबस है उनकी टेस्ट सीरीज ऐप पर डाली जा चुकी है। तो देखिएगा यहां से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। राजस्थान के प्रमुख राजवंश प्रतिहार, भाटी, यादव, तोमर और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का अध्याय है ये। तो देखिएगा प्रतिहार के मंडोर शाखा का संस्थापक कौन था, बताइएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संस्थापक पूछता है। और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण शाखा है ये जोधपुर की, यानी कि प्रतिहारों की ये मंडोर शाखा सबसे महत्वपूर्ण रही थी। तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो यहां पर, ए ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, हरिश्चंद्र हो जाएगा। हरिश्चंद्र ने ही मंडोर में यहां पर यानी कि प्रतिहार वंश की स्थापना की थी दोस्तों यहां पर मंडोर शाखा में, और यही महत्वपूर्ण शासक हुआ था। इसके पुत्र हुए थे बाऊ कुआता, कक्कक हुआ था, और इन्होंने जैसलमेर जीता, बाड़मेर के आसपास के क्षेत्र को जीतकर उस पर भी कब्जा किया था यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, प्रतिहार के जालौर शाखा का संस्थापक आपसे पूछता है, तो राइट आंसर बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम, ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल प्रश्नों की संख्या है 70 और 70 प्रश्न आपको क्रैक करना है दोस्तों यहां पर। वीडियो को छोड़कर बिल्कुल मत जाना जब तक आपका पूरा टेस्ट कंप्लीट नहीं होता है दोस्तों यहां पर, ताकि आपको पता तो चले कि हम यहां पर आपके पता है कि फॉर्म कितने आएंगे, 20 लाख रिट लेवल 2 से हो सकते हैं, 20 और 15 के आसपास हो सकते हैं दोस्तों यहां पर, 15 के आसपास, लेवल 1 में अलग है, लेकिन उनमें आपका कंपटीशन और आपकी रैंक हासिल करनी है आपको। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, प्रतिहार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था, बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रतिहार वंश का था मिहिर भोज था, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और इसका सबसे ज्यादा जो प्रभाव रहा था ना, वो मध्य प्रदेश रहा था, भोपाल में रहा था, भोजपुर भोपाल में रहा था इनका मिहिर भोज का दोस्तों यहां पर, ये महत्वपूर्ण शासक था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, कौन सा परमार शासक कविराज के नाम से विख्यात था, बताइएगा। परमार शासक के बारे में बात हो रही है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भोज परमार था, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि ए बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा गांव में 1031 में ऋषभ देव आदिनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया था, अब देखिएगा इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, बिमाल शाह ने आदिनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया था, कहां पर करवाया था, दिलवाड़ा के गांव में करवाया था दोस्तों यहां पर, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रतिहार वंश से अगर क्वेश्चन बनता है तो संस्थापक
महत्वपूर्ण शासक और जो भी यहाँ पर जो महत्वपूर्ण कार्य करवाए थे, चाहे मंदिर बनवाया था, कोई स्मारक बनवाया था, वो आपसे पूछ लेता है बस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं, बताइएगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या फिर शूद्र। आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो यहां पर मंडोर के प्रतिहार थे, जो हरिश्चंद्र के वंशज थे, वो अपने आप को क्षत्रिय मानते थे दोस्तों। यहां पर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जालौर के प्रतिहार वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बताइएगा। आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, यहां पर ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, नागवट प्रथम हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जालौर के प्रतिहार वंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी, बताएगा सिरोही, मंडोर, जालौर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर जालौर थी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुहनोत नैनसिरी ख्यात में प्रतिहारों की कितनी शाखा का वर्णन मिलता है, बताएगा, आंसर दीजिएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 26 शाखाओं का वर्णन मिलता है प्रतिहारों का, और प्रतिहारों ने जो शासन किया था वो 18वीं सदी से और 12वीं सदी के आसपास किया था दोस्तों। यहां पर यानी कि लगभग हम मान लेते हैं 1000 और यहां पर 7वीं 8वीं 9वीं जो शताब्दी थी, इनमें सबसे ज्यादा जो प्रभाव रहा था वो प्रतिहारों का रहा था। प्रतिहार अपने आप को यानी कि राम का द्वारपाल मानते थे ये लोग, तो इसका राय। और इनका शासनकाल कहां, शासन कहां से कहां तक रहा था, तो राजस्थान में, तो देखो जोधपुर के आसपास रहा था, सबसे ज्यादा मंडोर में रहा था, और देखिएगा जालौर के आसपास रहा था, और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण शाखाएं थी जो यहां पर अपने मध्य प्रदेश में थी, यानी कि वो शाखाएं। लेकिन अपन को इतना पढ़ना है कि राजस्थान के राजवंश में राजस्थान की जो प्रमुख शाखा रही थी प्रतिहार वंश की, वो आपको पढ़ लेनी है, क्योंकि क्वेश्चन आता है इनसे ही आता है, वो नेशनल जीके हम अलग कवर करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आबू में परमार वंश का संस्थापक कौन था, बताइएगा, आंसर दीजिएगा। तो आबू में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्पल राज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिहार किसके वंशज है, बताइएगा लक्ष्मण के, सूर्यदेव के, अग्निवंशीय या फिर हिरण्यकश्यप के। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, ये लक्ष्मण के यहां पर यानी कि द्वारपाल माने जाते हैं, बिल्कुल यानी कि लक्ष्मण के वंशज माने जाते हैं, श्री राम के द्वारपाल माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वीराज राजसो के अनुसार प्रतिहारों की उत्पत्ति हुई थी, कहां से हुई थी, बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो यहां पर, आबू पर्वत के अग्निकुंड से हुई थी, जो कि चंद्रवरदाई ने जो पृथ्वीराज राजसो की जो रचना की थी उसमें यहां पर ये साफ लिखा है कि यहां पर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर किसने अपनी राजधानी मंडोर के स्थान पर भीनमाल को बनाया था, बताइएगा। पहले मंडोर राजधानी थी, फिर भीनमाल बनाया था, किसने बनाया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा नागवट प्रथम, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, और ये ही सबसे प्रभावी शासक रहा था यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर प्रतिहार शासकों के काल में प्रयुक्त मंदिर स्थापित की शैली का नाम बताएगा। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों यहां पर इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुज्जर प्रतिहार शैली में बनाए जाते थे इनके शासनकाल में जो भी मंदिर बनाए जाते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजा नागभट्ट प्रथम का राज वंशज कौन सा है, बताइएगा। राइट आंसर दीजिएगा, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, गुज्जर प्रतिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी तथा बराह नामक मुद्रा चलाई थी, बताना होगा सही आंसर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिहिर भोजन है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7वीं सदी का प्राचीनतम विष्णु मंदिर जो मंडोर से प्राप्त हुआ है किस कला को प्रदर्शित करता है, बताएगा। राठौड़ों की कलाओं का, गुज्जर प्रतिहारों की, या फिर सोलंग की, या फिर परमारों की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुज्जर प्रतिहार में बना हुआ ये मंदिर है, जो कि यहां पर ये दर्शाता है, गुज्जर प्रतिहार शैली को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर गुज्जर प्रतिहार वंश का प्रथम योग्य उल्लेखनीय वह प्रतापी शासक कौन सा था, बताएगा।
आपका राइट आंसर हो जाएगा नाग भट्ट प्रथम हो जाएगा, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि नाग भट्ट प्रथम। अगर राजस्थान के संदर्भ में पूछे, अगर पूरे यहां पर प्रत्याहारों के संदर्भ में पूछे तो भोजराज, ये भी आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप जोधपुर से प्राप्त घड़ियाला शिलालेख में किस प्रत्याहार राजा की जानकारी मिली है, बताइएगा ककुक रज्जुल बाहु की या फिर सिल्लुक। तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ककुक की जानकारी मिलती है यहां पर। ये किसके पुत्र थे, ये हरिश्चंद्र के पुत्र थे जिन्होंने मंडोर पर शासन किया था, मंडोर पर इन्होंने शासन किया था। लेकिन इसके जो पुत्र थे ककुक था, रज्जुल था, बाहुक था और सिल्लुक था, इसने अपने अपने दम पर अपने अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। कुकुक ने यहां पर जालौर के आसपास का क्षेत्र जीता और रज्जुल ने यहां पर बाड़मेर जैसलमेर जीता, यानी कि पूरा दक्षिणी राजस्थान पर इनका कब्जा हो गया था, यानी कि चारों पुत्रों का, हरिश्चंद्र के पुत्र थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर बताएगा, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ककुक हो जाएगा। देखिएगा इतने अटपटे नाम आपको याद नहीं होते हैं, लेकिन इतना याद कर लेना, हरिश्चंद्र के बारे में याद कर लेना, हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम भद्रा था और यहां पर देखिएगा उनके पुत्र हुए थे, उन्होंने यहां पर जोधपुर जैसलमेर बाड़मेर के आसपास शासन किया था और यहां पर यानी कि मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था, मंडोर में बहुत सारे प्रत्याहार शैली के मंदिरों का निर्माण करवाया था। ये यहां पर प्रत्याहार से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, यहां पर समझ में तो आ रहा होगा आप सभी को, एक बार लाइक कीजिएगा दोस्तों, यहां पर मन से कीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर, देखते हैं कितने अभ्यर्थी यहां तक पहुंचे और लाइक करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर आपके सामने, छठी शताब्दी के आसपास गुजरात प्रदेश का शासन था, किनके हाथों में था, चौहान परमार सोलंकी या फिर प्रतिहार। तो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा प्रतिहारों के हाथों में रहा था, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नागवट द्वितीय किस वंश का शक्तिशाली प्रतापी शासक था, बताइएगा चौहान सोलंकी प्रतिहार या फिर परमार। तो आपका राइट आंसर दीजिएगा इसका, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर प्रतिहार, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रतिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर मंडोर के प्रतिहार वंश का मूल पुरुष कौन सा था, बताइएगा आपका राइट आंसर दीजिएगा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मंडोर प्रतिहार जो वंश का संस्थापक था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिश्चंद्र था, बिल्कुल सही आंसर है आपका सी ऑप्शन, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर गुजर प्रतिहार अपनी उत्पत्ति मानते हैं, बताना होगा राइट आंसर कहां से अपनी उत्पत्ति मानते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बिल्कुल सही है, ये लक्ष्मण से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उद्योतन सूरी किसका दरबारी कवि था, बताइएगा तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बत्स्य राज का था, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुजरों को किस शासक ने पराजित किया था, बताइएगा प्रभाकवर्धन हर्षवर्धन शशांक या फिर हर्षवर्धन। देखिएगा हर्षवर्धन यहां पर दो बार टाइप हुआ है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर प्रभाकवर्धन हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ऑप्शन वर्धन वंश का जो महत्वपूर्ण और प्रतापी शासक हुआ था सबसे पहले वो प्रभाकवर्धन हुआ था, उसके बाद हर्षवर्धन हुआ था, यानी कि इसको गुजरों को किसने पराजित किया, प्रभाकवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आदि बरा की उपाधि किस शासक राजपूत ने धारण की थी, बताइएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा मिहिर भोज ने धारण की थी, बिल्कुल करेक्ट है सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चीनी यात्री किसने भीनमाल की यात्रा की थी, जो चीनी यात्री था उसने भीनमाल की यात्रा की थी, बताना होगा किसने की थी, तो ये की थी हेमसांग ने की थी, ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बिल्कुल सही है आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी, बताइएगा तो ये थी आपकी मंडोर थी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैसलमेर जिले में किस राजवंश ने शासन किया था, बताइएगा तोमर वंश चौहान वंश भाटी वंश या फिर जाट राजवंश ने, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाटी राजवंश ने किया था, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भाटियों की उत्पत्ति मानी जाती है, कहां से मानी जाती है भाटियों की उत्पत्ति, बताइएगा ये चंद्रवंशीय थे, अग्निकुंड से उत्पन्न थे, विदेशों की संतान थे या फिर यहां पर हिरण्यकश्यप की संतान, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये चंद्रवंशीय थे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भाटियों का मूल स्थान कौन सा था, हरियाणा राजस्थान पंजाब या फिर अफगानिस्तान,
तो इनका जो मूल स्थान रहा था वो पंजाब रहा था भाटियों का, क्योंकि सबसे पहले ये भटनेर में आकर बसे थे दोस्तों यहाँ पर, और भटनेर दुर्ग का निर्माण इनके ही वंशज ने किया था। उसके बाद भटनेर से यहाँ पर ये यानी कि जैसलमेर लोधरवा के आसपास आ चुके थे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भटनेर दुर्ग का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने किया था, बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा भाटियों ने किया था, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भाटी वंश के किस शासक ने लोधरवा को अपनी राजधानी बनाया था, बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर देवराज भाटी ने बनाया था, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैसलमेर दुर्ग के निर्माण का कार्य किसके द्वारा पूर्ण करवाया गया था, पूर्ण करवाया था, बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर सालिवान के द्वारा पूर्ण करवाया था, और जैसलदेव ने इसकी नेम रखी थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर सालिवान। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, जैसलमेर के सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, अमर सिंह सालिवान, मूलराज या फिर जैतसी। आपका राइट आंसर हो जाएगा जैतसी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैसलमेर के किस शासक ने अकबर की अधीनता नागौर के दरबार में स्वीकार की थी, बताइएगा। आंसर दीजिएगा राइट आंसर, तो देखिएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1570 में यानी कि नागौर दरबार का आयोजन हुआ था, जिसमें जैसलमेर का एक शासक हुआ था जिसने अधीनता स्वीकार की थी, उसका नाम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराजा हरराय सिंह भाटी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राजवंश का संबंध महारावल की उपाधि से संबंधित है, बताइएगा। जाट, राठौड़, चौहान या फिर भाटी। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाटी, यानी कि भाटियों के नाम के आगे महारावल लगाया जाता था कि महारावल, यानी कि महारावल की उपाधि इन्होंने धारण की थी, किन्होंने, भाटी वंश के शासकों ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राव जैसलमेर जैसलमेर की स्थापना कब की थी, बताइएगा। आंसर दीजिएगा 1155, 1187, 1175, 1178। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1155 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भाटी राजवंश के किस शासक ने जैसलमेर को अपनी राजधानी बनाया था, बताइएगा। आपका राइट आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जैसलदेव भाटी ने जैसलमेर की स्थापना की थी और इन्होंने अपना राजधानी जैसलमेर को बनाया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध उमादेव किसकी पुत्री थी, बताइएगा, जो कि मालदेव की ये पत्नी थी। इसका राइट आंसर दीजिएगा, तो ये जैसलमेर के जो राजा हुआ था राव लूणकरण सर, तो उसकी ये पुत्री थी जिसका विवाह यहां पर मालदेव के साथ किया था, और इतिहास में इसको रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता था, ऐसा कहा जाता है, बिल्कुल सत्य है कि जो रूठी रानी थी ना वो मालदेव की पगड़ी के साथ सती हुई थी। अगला क्वेश्चन, भाटी वंश की कुल देवी कौन सी है, बताइएगा। जमुआई माता, स्वांगे माता, शाकंभरी माता या फिर ज्वाला माता। आपका राइट आंसर बिल्कुल सही है यहां पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, स्वांगीय माता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तमर वंश की कुल देवी कौन सी है, तमर वंश यानी कि धौलपुर का जो तामर वंश था ना उनकी कुल देवी अगर आपसे पूछता है तो बताइएगा, तो इनकी जो कुल देवी है वो चिल्लाए माता हो जाएंगी, यानी कि डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीन समय में जैसलमेर जिले को किस नाम से जाना जाता था, बताइएगा। मांड, श्रीपंत, कोठी या फिर नगरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मांड के नाम से इनको जाना जाता था। एक बात और, इनकी टेस्ट सीरीज आपको ऐप पर मिल जाएगी दोस्तों, यहां पर ऐप पर हमने डाली जा चुकी है, राजस्थान के भाटी प्रतिहार यादव और यहां पर जो जाट राजवंश है इनकी टेस्ट सीरीज हमने डाल दी है दोस्तों, यहां पर सारी टेस्ट सीरीज आपको ऐप पर मिल जाएगी जिसकी लिंक वीडियो के नीचे दे रखी है दोस्तों, यहां पर सबके लिए है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर धौलपुर जिले की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बताइएगा। अनंगपाल, धौलनदेव, धर्मेंद्रपाल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा धौलनदेव, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा, जो धौलपुर के जो तोमर वंशज है वो दिल्ली से आए थे और दिल्ली में इनका शासन हुआ था पहले, लेकिन दिल्ली से ये परेशान होकर दोस्तों यहाँ पर धौलपुर में आ गए और उन्होंने खेती करना यानी कि जमींदार के रूप में इन्होंने यानी कि कार्य प्रारंभ किया था और ये जमींदार बन के रह गए थे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भरतपुर के जाट राजवंश की कुल देवी कौन सी है, बताइएगा। तो ये थी यहां पर राजेश्वरी माता, बहुत इंपॉर्टेंट है।
मैं एक एक राजवंश की कुल देवी कुल देवता संस्थापक, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना। मैंने आपको देखिएगा सबसे पहले मेवाड़ मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, चौहान मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, और देखिएगा राठौड़ मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, और कछवा राजवंश मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, यानी कि चार राजवंश। और चार राजवंशों के बाद प्रतिहार, तोमर, भाटी, यादव ये और जाट, ये पांचों राजवंश इस वीडियो में कवर हो गए दोस्तों। यहां पर वीडियो नंबर आपको देखिएगा दोस्तों, यहां पर यानी कि अगर राजवंश अगर आपको पढ़ना है तो देखिएगा 31वें नंबर का वीडियो, 30वें नंबर का वीडियो, 29वें नंबर का वीडियो, 28वें नंबर का वीडियो और 27वें नंबर के वीडियो में आपका राजवंश कंप्लीट हो जाएगा राजस्थान का, जो कि दोनों परीक्षाओं में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आने वाले हैं राजवंशों से दोस्तों। यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 वीडियो से। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर रियासत का शासक कौन था, बताइएगा, आंसर दीजिएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भगवंत सिंह हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यहां पर बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के एकीकरण के समय धौलपुर रियासत का शासक कौन था, बताइएगा, धौलपुर रियासत का शासक था आपका, राइट आंसर हो जाएगा उदय वाहन सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहारों ने मंडोर का दुर्ग किसको दहेज में दिया था, बताइएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। देखिएगा जब मैंने आपको कछवा राजवंश करवाया था, दौसा की स्थिति मैंने आपको बताई थी, तो सबसे पहले बड़ गुजरों ने दौसा दुर्ग का निर्माण करवाया था, और यहां पर यानी कि जो दुल्हे रहा था उसको यहां पर इसको दहेज में दिया था, और इन्होंने ही यानी कि दौसा दुर्ग पर आक्रमण करके और यहां पर कब्जा कर लिया था। तो इसका आंसर दीजिएगा, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर रणमल, मालदेव, गंगा या फिर चूड़ा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा रावी चूड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जाटों का प्लूटो और जाटों का अफलांतु किसे कहते हैं, तो सभी जानते हैं यहां पर सूरजमल जाट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैसलमेर का अर्धशाका किसके शासनकाल में हुआ था, आंसर दीजिएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लूणकरण सर के समय हुआ था अर्धशाका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा राजवंश यादव राजवंश से संबंध रखता है, बताइएगा, राठौर, सिसोदिया, कछवा या फिर भाटी। आपका राइट आंसर हो जाएगा जो भाटी है वो रखता है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था कौन सी थी, आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर हो जाएगी, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला, जैसलमेर के किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, बताइएगा, मैंने अभी आपको बताया था ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हरराय सिंह भाटी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भाटियों ने किसको अपना कुल देवता माना है, बताइएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर भाटियों ने अपना कुल देवता माना है लक्ष्मण दास को, लक्ष्मीनाथ जी को माना है, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, इनकी ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पिंगल श्रोमणि नामक उत्कृष्ट कोठी की रचना जैसलमेर के किस शासक ने की थी, बताइएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा महारावल हरिराम ने की थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, तनोट को भाटी राजवंश की मूल राजधानी किसने बनाया था, बताइएगा, मंगलराज, मूलराज, जैसल या फिर मंगलराव। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगलराव ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैसलमेर के भाटी अपना संबंध किससे जोड़ते हैं, बताइएगा, राम, कृष्ण, वाल्मीकि या फिर विश्वामित्र। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्ण से मानते हैं, क्योंकि ये अपने आप को यादव वंश से संबंध रखते हैं, और यादव वंश का जो संबंध है वो श्री कृष्ण भगवान से है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत का वर्चस्व रहा था, बताइएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर प्रतिहारों का रहा था, बिल्कुल सही है यहां पर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिहार वंश में किस शासक को पितुहंता कहा जाता है, देखिएगा मैंने आपको मेवाड़ में पितुहंता के बारे में बताया था, चौहान में पितुहंता के बारे में बताया था, राठौड़ वंश में पितुहंता के बारे में बताया था, मेवाड़ में कौन था, उदा था, और यहां पर कौन था, यानी कि जो चौहान वंश में कौन था, आनाजी चौहान की हत्या की थी जगदेव ने, और यहां पर कौन था, राठौड़ वंश का
तो राठौर वंश का कहा जाता है कि मालदेव है, मालदेव ने अपने पिता गंगा सिंह की हत्या की थी, यानी कि धकेल कर हत्या थी, ऐसे भी माना जाता है। तो ये प्रत्येक जो यहाँ पर पितु अंता है ये भी आपको याद रखने हैं। तो कौन था बताना होगा राइट आंसर, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रतिहार वंश में किस शासक को पितु अंता कहा जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मिहिर भोज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस राजा के वंशज गुज्जर प्रतिहार कहे जाने लगे थे, बताइएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा नागवट द्वितीय के वंशज। अगला क्वेश्चन, प्रतिहार वंश के शासकों की राजधानी कौन सी थी, धौलपुर, बूंदी, झालावाड़ या फिर भीनमाल, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भीनमाल हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मंडोर के किस प्रतिहार शासक ने भाटी शासकों को पराजित किया था, बताइएगा, सिल्लुक, नागवट प्रथम, कक्कोक या फिर बाउक, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिल्लुक ने किया था यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मिहिर भोज ने किस प्रस्तुति की रचना की थी, बताइएगा, अभी 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो मिहिर भोज की जो प्रस्तुति है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्वालियर प्रस्तुति हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर करौली के यादव राजवंश के संस्थापक कौन थे, बताएगा, अजयपाल, महीपाल, विजयपाल या फिर समरपाल, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विजयपाल, यानी कि ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका सही है। विजयपाल ने करौली राजवंश की स्थापना कब की थी, बताइएगा, तो देखिएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर 1040 ईस्वी में, यहां पर ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, करौली शहर को बसाया था कल्याणपुरी के नाम से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदुवंश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, बताइएगा, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या फिर अथर्वेद में, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यदुवंश का जो सबसे पहले उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कल्याणपुरी नामक कस्बे की स्थापना किसने की थी, बताइएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अर्जुन पाल ने कल्याणपुरी के नाम से यहाँ पर स्थापना की थी, यानी कि जो करौली का जो प्राचीन नाम था वो कल्याणपुरी के नाम से है, और यहाँ पर किन्होंने शासन किया था, यादव वंश ने किया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की द्वितीय पीठ मदन मोहन जी का मंदिर निर्माण किसने करवाया था, बताइएगा, अर्जुन पाल, विजय पाल, गोपाल पाल या फिर धर्मपाल, आपका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल पाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, करौली के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि की थी, बताइएगा, आंसर दीजिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर अंग्रेजों से संधि किसने की थी, उपयुक्त में से कोई से शासक ने नहीं की थी, इनमें से किसी शासक ने नहीं की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विजयपाल ने अपनी राजधानी किसको बनाया था, बताइएगा, तो सबसे पहले विजयपाल ने बनाया था ब्याने को, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही है। भरतपुर के जाट राजवंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है महाराजा सूरजमल जाट को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों यहां पर, अब देखिएगा दोस्तों यहां पर आज का राजवंश आपके कंप्लीट हो चुके हैं। मेवाड़ का राजवंश मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, राठौड़ वंश मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, चौहान वंश मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, कछवा राजवंश मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, प्रतिहार, तोमर, भाटी और जाट राजवंश मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। अब जो अगला वीडियो आएगा दोस्तों यहां पर वो 32वें नंबर का जो वीडियो आएगा उसको ध्यान से देख लीजिएगा, बुक जो डाउनलोड कर दी है आपके ऐप पर वहां से डाउनलोड कर लेना, 1857 की क्रांति, और 1857 की क्रांति में 100% क्वेश्चन आएगा दोस्तों यहां पर। अगर आप 1857 की क्रांति की जो टोटल क्वेश्चन है वो 80 से 90 के बीच में क्वेश्चन है, अगर बिल्कुल सही करना चाहते हो आपकी टेस्ट सीरीजों में और वीडियो पर, तो दोस्तों यहां पर पार्ट नंबर मैं आपको पहले ही बता देता हूं, 1857 की क्रांति यानी कि कक्षा 9 आरबीएससी की ये बुक है, और जो चैप्टर नंबर है दोस्तों यहां पर ये देखिएगा, यानी कि पहले नंबर का चैप्टर है 1857 की क्रांति का, जो कि ऐप पर डाली जा चुकी है दोस्तों यहां पर, अभी अभी आप पढ़ लीजिएगा उसको पूरी तरह अच्छे तरीके से, एक एक क्वेश्चन वहीं से उठाया जाएगा आपका आरबीएससी और एनसीईआरटी से। इस बुक को कंप्लीट करने के बाद आपका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा दोस्तों यहां पर, तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों यहां पर सभी अभ्यर्थी। अब देखिएगा आपका राजस्थान का संदर्भ में कितने कॉन्सेप्ट और बचे हुए हैं, यानी कि 1857 की क्रांति से लेके और आपके इतने और घट रहे हैं, यानी कि 1857 क्रांति कंप्लीट
होने वाला है, उसके बाद प्रजामंडल, उसके बाद किसान आंदोलन, उसके बाद एकीकरण, राजस्थान का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद राजस्थान की राजव्यवस्था आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और कंप्लीट होगी मात्र मात्र 3 वीडियो में आपकी राजस्थान की राजव्यवस्था कंप्लीट करवा दूंगा, यानी कि राजस्थान का पूरा कोर्स यानी कि बहुत जल्दी आपका कवर होने वाला है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान का दोनों परीक्षाओं के लिए पूरा कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा बहुत ही जल्दी। जो भी अभ्यर्थी ऐप लेना चाहता है, ऑनलाइन स्टडी एग्जाम के नाम से ऐप है जिसमें सारी टेस्ट सीरीज जो आपका कोर्स है उसको क्रैक किया जा रहा है। यहाँ पर फोन नंबर है ये हमारा, जो ऐप की लिंक है वो वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी, और कमेंट बॉक्स में बताएगा कि वीडियो कैसा लगा दोस्तों। यहाँ पर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर